दर मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के द्वारा निर्मित हाईटेक चेक पोस्ट का शुभारंभ किया। वहीं देहरादून आरटीओ ने परिवहन मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद से परिवहन मंत्री अत्याधुनिक चौक पोस्ट का उद्घाटन कर चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सौगात दी है। उन्होंने यात्रियों से बातचीत करते हुए सुखद यात्रा की कामना की है। पहले हमारी चेक पोस्ट टीम में हुआ करती थी, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं, तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है, जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठना चाहे या उनको कोई प्रसाधन का उपयोग करना चाहे वो सारे हमारे चेक पोस्ट पर उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी यात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए हमारे चेक पोस्ट पर आए, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। धाम यात्रा है उसके लिए हमारा परिवहन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। चूँकि आज यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं और चार धाम यात्रा कल ऋषिकेश से प्रारंभ हो गई है, मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कुठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।